हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लॉगिंग बेस्ड पर। तो दोस्तों, अगर आप भी एक ब्लॉगर हैं या फिर अपने ब्लॉगिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप महंगे सेमरस, एचरेफ, ऊबर सजेस्ट जैसे महंगे प्रीमियम टूल्स को खरीद सकें, तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को आज लास्ट तक देखते हैं, तो आपको कभी भी फ्यूचर में कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा टूल बताने वाला हूं जो कि सेमरस और एचरेफ से भी बेहतर है और उन्हीं के जैसे बिल्कुल सेम डाटा दिखाएगा। आपको एचरेफ सेमरस के डाटा के अंदर और इस टूल के डाटा के अंदर कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आपने अब तक हमारी यहाँ पर ब्लॉगिंग निश वाली, यूएस ब्लॉगिंग निश वाली वीडियो को नहीं देखा है, तो इस वीडियो को भी ज़रूर जाके देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ ऐसे प्रीमियम निशेज के बारे में बताया है जिन पर अगर आप अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो आपको यूएस से मिलियंस में ट्रैफिक मिलेगा और अर्निंग भी बहुत ही ज़्यादा होगी। आपको यहाँ पर एक क्लिक के $100 तक मिलेंगे। तो मैं इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, तो वहाँ पर क्लिक करके आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि वो कौन सा टूल है जिसकी मदद से आप बिल्कुल अच्छी तरीके से और एकदम परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, उस टूल का नाम है दी होत। दोस्तों, ये जो टूल है वो सेमरस और एचरेफ का एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है, बहुत ही अच्छा। मैं इस टूल को कम से कम 2 सालों से यूज़ कर रहा हूँ। जब मैंने अपनी ब्लॉगिंग जर्नी की शुरुआत की थी, तब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे मैं सेमरस या फिर एचरेफ जैसे महंगे टूल्स को खरीद सकूं, तो इसलिए जब मुझे इस टूल के बारे में पता चला तो मैंने इसे यूज़ करना शुरू किया। और आप मानोगे नहीं, ये हमें बिल्कुल एक्यूरेट डाटा दिखाता है, बिल्कुल लाइव अपडेटेड डाटा दिखाता है। और मैंने इसी टूल का यूज़ करके अपनी बहुत सारी ब्लॉग पोस्ट को गूगल में रैंक भी करवाया है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस टूल का यूज़ कैसे करना है। तो दोस्तों, आपको सिंपली यहाँ पर टूल्स वाले ऑप्शन पर आ जाना, और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कीवर्ड प्लानर। वैसे तो यहाँ पर आपको बहुत ही सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे कि डोमेन अथॉरिटी चेकर, हेडलाइन जनरेटर। अब अगर आपको अपनी ब्लॉग या फिर वेबसाइट के लिए टाइटल बनाना नहीं आता कि एक कैची टाइटल कैसे बनाए, तो आप इस टूल की मदद ले सकते हैं अपने टाइटल को एक अच्छा बेहतरीन टाइटल बनाने के लिए। आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट का SEO भी चेक कर सकते हैं, बैकलिंक चेक कर सकते हैं, और भी यहाँ पर बहुत ही सारे ऑप्शन हैं। तो चलिए, हम यहाँ पर हमारे मेन जो पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं कि इस टूल की मदद से आपको कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक बार सर्च करके दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ क्रिप्टो करेंसी। यहाँ पर ये अपने डाटा को लोड कर रहा हूँ। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने हमें यहाँ पर बहुत ही सारे यहाँ पर रिलेटेड कीवर्ड्स भी दिखा दिए हैं। यहाँ पर आपको इतने ज़्यादा रिलेटेड कीवर्ड्स देखने को मिले हैं जो कि आपको शायद ही एचआरएफ या फिर सेमरस में देखने को मिलेंगे। और इन्होंने हमें यहाँ पर इस कीवर्ड से रिलेटेड कंपटीशन, कीवर्ड डिफ़िकल्टी, नंबर ऑफ रिजल्ट्स, आपको यहाँ पर कितना CPC मिलेगा, सर्च वॉल्यूम कितनी है, सब कुछ यहाँ पर हमें दिखा दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कॉम्पिटिशन 0.15 है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर हमारा जो कंपटीशन है वो 0 के आसपास है, तो उसका मतलब वो जो कंपटीशन है वो लो है। अगर वो 1 के पास है, जो कंपटीशन है वो हाई है। आप ये बात याद रखिएगा कि अगर यहाँ पर हम जब कंपटीशन सर्च करते हैं और जो कंपटीशन है वो 0.1 है, 2 है या 10 है, तो इसका मतलब जो कंपटीशन है वो लो है। अगर जो हमारा यहाँ पर जो कंपटीशन है, हमारा जो ये कंपटीशन है वो 1 के आसपास है, यानी 0.99, 0.95, 0.80, तो इसका मतलब जो कंपटीशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, हाई कंपटीशन है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर और भी रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, उनके वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम है कितना, उन पर यहाँ पर सर्च ट्रेंड, आपको यहाँ पर सारा डाटा देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इस टूल की मुझे एक जो खामी ये लगी है कि इसके टूल के अंदर जो एक कमी वो है कि आपको यहाँ पर लिमिटेड कंट्रीज ही मिलती हैं। यानी आप यहाँ पर जो कीवर्ड रिसर्च है वो लिमिटेड कंट्रीज़ के लिए ही कर सकते हैं, आप यहाँ पर हिंदी कीवर्ड रिसर्च नहीं कर सकते। तो अगर आपकी वेबसाइट इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के लिए है या फिर आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करते हैं, आपका जो
आपका जो मैक्सिमम ट्रैफिक है वो यूएस से आता है, तो आपके लिए टूल एकदम बेस्ट है। लेकिन जो व्यक्ति हिंदी में ब्लॉगिंग करते हैं उनके लिए ये टूल किसी काम का नहीं है। लेकिन मैं हिंदी ब्लॉगर्स के लिए भी आगे यहाँ पर एक टूल बताऊंगा जो कि एकदम परफेक्ट टूल होगा स्पेशली हिंदी ब्लॉगर्स के लिए। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पर आपको किन किन कंट्रीज़ में आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सिर्फ 4 कंट्रीज़ मिलती हैं, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। यानी अगर आप इन 4ों कंट्री में से किसी एक कंट्री को टारगेट करते हो तो आपके लिए ये टूल एकदम बेस्ट है। दोस्तों ये तो बात हो गई इंटरनेशनल ब्लॉगर्स के लिए या फिर जो इंग्लिश में ब्लॉगिंग करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एक हिंदी ब्लॉगर हैं तो आप कैसे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं बिना सैमरस और एचरफ के। तो यहाँ पर आपको आ जाना है और यहाँ पर आपको यहाँ पर क्रोम टैब ब्राउज़र को ओपन करना और यहाँ पर आपको सर्च करना है keywordintent.io। दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर एक ये कीवर्ड टूल ओपन हो गया है। यहाँ पर इसका जो इंटरफेस है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा लॉग इन साइनअप वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको यहाँ पर सिंपली इस टूल के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पर अपने जो कीवर्ड है उसे सर्च करना है। जैसे हम यहाँ पर सर्च करते हैं हमने यहाँ पर सर्च किया है साफ़ी सिर्फ बेनिफिट्स इन हिंदी और हम यहाँ पर अपनी कंट्री भी सिलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर अनलिमिटेड कंट्रीज़ मिलेंगी, सभी कंट्रीज़ के आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आपको दी होत की तरह कोई 4 कंट्रीज़ के ऑप्शन नहीं मिलेंगे। तो हम यहाँ पर इंडिया को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने हमें पूरा डाटा दिखा दिया है कि यहाँ पर अभी सर्च वॉल्यूम है वो 4400 है, जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी 47 है, पेड कीवर्ड डिफ़िकल्टी लो है और जो CPC आपको मिलेगा वो मिलेगा $1। ये इन्होंने हमें पुराना डाटा भी दिखा दिया कि एक यानी अगस्त 2021 को यहाँ पर कितने सर्च वॉल्यूम थे इस कीवर्ड पर, और यहाँ पर अक्टूबर में कितने थे, दिसंबर में कितने थे और फरवरी 2022 में कितने कीवर्ड थे यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जुलाई के अंदर जो इसकी सर्च वॉल्यूम है वो बढ़ चुकी है, यहाँ पर 6,000 के करीब यहाँ पर इसकी जो सर्च वॉल्यूम है वो हो चुकी है। और आपको यहाँ पर नीचे साथ ही साथ रिलेटेड कीवर्ड्स भी मिलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पर साथ ही साथ कंपटीशन भी बताया जा रहा है, जैसे हमदर्द साफ़ी के फ़ायदे, यहाँ पर 1,000 सर्च वॉल्यूम है। साफ़ी सिर्फ बेनिफिट्स फॉर स्किन इन हिंदी, यहाँ पर 320 सर्च वॉल्यूम है। तो अगर आप हिंदी ब्लॉगर हैं तो आपके लिए ये जो टूल है वो एकदम बेस्ट टूल है। आपको यहाँ पर 1 भी रुपया देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर आपको 1-2 कीवर्ड और सर्च करके दिखा देता हूँ, जैसे कि हम यहाँ पर सर्च करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रोटीन एक्स पाउडर है यहाँ पर उसके जो सर्च वॉल्यूम वो 60,000 सर्च वॉल्यूम है, जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी वो 78 है, जो पेड कीवर्ड डिफ़िकल्टी वो हाई और यहाँ पर जो CPC है वो आपको 0.27 सेंट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर नीचे आपको कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स भी देखने को मिल रहे हैं। देखिए आपको यहाँ पर कितने ज़्यादा रिलेटेड कीवर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये मत सोचिएगा कि एक फ्री टूल है, ये फ्री टूल बेसिक से है, लेकिन आपको यहाँ पर सारी जो फैसिलिटी हैं जो कि हमें सैमरस और एचरफ में मिलती हैं वो सारी फैसिलिटी आपको इस टूल के अंदर मिलती है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में मैं आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।